हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आदि द साइंस गाय। वेलकम बैक गाइस। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने एक पोल किया था 2 दिन पहले, जिसमें मैंने पूछा था कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहिए, और कमेंट में लिखने को कहा था टॉपिक का नाम। तो उस पोल में हमारे जो फ्लूइड मैकेनिक्स है 42% के साथ विनर बनता है। ओके, और जैसा कि मैंने कमेंट लिखने को कहा था, तो आप में से एक ने एक कमेंट लिखा, हाउ टू इरीगेट वाटर थ्रू पंप फ्रॉम लोअर आल रिवर बेड टू अपर आल कनाल बेड, और एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी मांगा। आए तो 38 लोगों के वोट्स थे, लेकिन कमेंट एक ही ने लिखा, इसलिए मैं आज पंप्स के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपके टॉपिक के ऊपर वीडियो बने, तो नेक्स्ट पोल में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि आज की वीडियो में करना क्या क्या है। सबसे पहले इस डायग्राम को देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है? इसको अच्छे से मैं आपको बाइफर्केट करके बताऊंगा। फिलहाल तो ये देखिए आज हमें करना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बेसिक्स इंट्रो करेंगे पंप्स के ऊपर। दूसरा, हम हेड्स के बारे में जानेंगे, जो यहाँ पर आपको ये हेड्स दिख रहे हैं, इनके बारे में जानेंगे कि ये क्या क्या होते हैं, कि कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ स्पेसिफिक स्पीड, जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, वो भी आज यहाँ पर कवर कर लेंगे। इसमें कुछ है नहीं, एक फॉर्मूला ही है, बस वो आपको याद रखना है। और फिर जो एक न्यूमेरिकल डिमांड किया था कमेंट्स पे, उसको सॉल्व करें। कोशिश करूंगा इस वीडियो को थोड़ा छोटा से छोटा रखूँ। और राइट, सबसे पहले हम लोग पंप्स की डेफिनेशन जान लेते हैं। वैसे तो हमें पता है कि पंप का काम क्या होता है। जब वो कोई पानी को, जो कि ग्राउंड लेवल के पास है, उसे कोई बिल्डिंग के ऊपर रखी हुई टंकी में पहुँचाना होता है पाइप के थ्रू, ठीक है, तब हम पंप लगाते हैं उधर, राइट। तो ये तो था एवरेज ह्यूमन के हिसाब से। अब इंजीनियर कैसे सोचेगा? वो कहेगा कि हमें एक एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी एक पंप के थ्रू, ताकि हम पानी को ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा के इस जगह टैंक में डाल दें, राइट। तो ये तो था इसका साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग। अब ज़रा इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि पंप होता क्या है। तो पंप की डेफिनेशन कहती है कि ये वो हाइड्रोलिक मशीन्स होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में। मैकेनिकल मतलब जहाँ पे मशीन्स अपनी तरफ से पावर या इनपुट दे रही होती हैं, और किसको? पानी को, राइट। तो पानी की मूवमेंट कराता है, तो ऐसी मशीन्स को हम लोग पंप्स बोलते हैं। और ये जो पंप्स होते हैं, ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ डायनेमिक पंप, एंड द सेकेंड वन इज़ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, जहाँ पे तुम्हारा डायनेमिक पंप में सेंट्रीफ्यूगल पंप आता है, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स में रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, रोटरी पंप होता है, और भी कुछ कुछ प्रकार के पंप होते हैं, लेकिन हमारा कंसर्न है दिस वन, सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो आगे पढ़ने से पहले मुझे ये बताइए कि सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है। तो आपने जब 11th 12th क्लास में पढ़ा होगा कि आप एक जब रस्सी लेते हैं और उसके एंड पे एक पत्थर बांध देते हैं, और फिर उसे जब रोटेट करते हैं सर्कुलर मोशन में, तो उसकी जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। और जो अंदर की तरफ एक सूडो फोर्स लग रहा होता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। और इस फोर्स के हमें वैल्यू भी पता होते हैं, दैट इज़ mv² / r, वेयर r इज़ द रेडियस। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा है सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्योंकि इसमें पानी आपका सेंटर से बाहर की तरफ निकल रहा होता है वाइल द इम्पेलर इज़ रोटेटिंग। मैं भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो ये तो हमारी हो गई पंप्स की क्लासिफिकेशंस। तो ये मैंने आपको एक स्टार्टिंग में डायग्राम दिखाया था, जहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा है सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो कि इस नीचे वाले पानी को यहाँ से खींचता है, और फिर कुछ प्रेशर के साथ इस पाइप के थ्रू यहाँ पे डिलीवर कर देता है डिलीवरी टैंक में। अब ज़रा इस पंप को जूम इन करके देखते हैं। तो हमारे पंप में ये जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है, इसको हम लोग आई बोलते हैं, जो कि यहाँ से आने वाले पानी को डायरेक्टली यहाँ से निकालता है इस तरीके से, इस डायरेक्शन में। और इसके बाहर हमारे लगे होते हैं इम्पेलर, इस तरीके से। ये इम्पेलर यहाँ से आने वाले पानी को बाहर की तरफ फेंकते हैं, और फिर यहाँ से जो ये पानी आता है, वो इधर से ऊपर की तरफ एक प्रेशर के साथ इस डिलीवरी पाइप से चला जाता है। तो ये अंदर वाली जो रिंग थी, हमने इसको बोला इम्पेलर, और बाहर ये केसिंग होती है जो इस पानी को गाइड करती है डिलीवरी पाइप में जाने के लिए। और एक और चीज़ नोटिस करिए कि यहाँ पे जो फ्लो का एरिया है, वो इसके फ्लो के एरिया से छोटा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? ग्रेजुअली यहाँ पर एरिया इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। तो
तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और हमें यही कंडीशन चाहिए होती है, इसलिए केसिंग जो है वो इस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका जो ये पंप है ये फोर्स्ड वोर्टेक्स में आता है, एक आपका फ्री वोर्टेक्स होता है जिसमें स्मूथ फ्लो होता है, राइट, कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होती है स्ट्रीम लाइन्स में, और फोर्स वोर्टेक्स में क्या होता है फ्रिक्शन एक्ट करने लगता है, राइट। इसलिए ऐसी कंडीशन से बचने के लिए इन पंप्स में गाइड वेन्स का भी यूज़ किया जाता है। ओके, अब जहाँ पे ये जो आई होता है ये आपका एक शाफ्ट से कनेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं इम्पेलर शाफ्ट, जो कि इम्पेलर्स को रोटेट करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको मैं स्टार मार्क करके कर रहा हूँ, ये एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर चीज़ें में पूछी जाती है। ओके, तो उन चीज़ों को नोट करते हुए चलना है आपको कि सेंट्रीफ्यूगल पंप कम्स अंडर द कंडीशन ऑफ फोर्स वोर्टेक्स। चलो अभी नामकरण भी कर देते हैं। तो हमने अभी बताया कि ये वाला जो पाइप होता है इसको हम लोग डिलीवरी पाइप बोलते हैं, जिस पाइप की हेल्प से सेंट्रीफ्यूगल पंप पानी लेता है उसको हम बोलते हैं सक्शन पाइप। आपका वाटर लेवल यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, ये नीचे आपका यहाँ पे स्ट्रेनर है, छलनी का काम करता है, ये पानी को छान के ये इसके अंदर एंटर कराता है। यहाँ पे एक फुट वॉल्व भी होता है जो कि एक वन साइडेड वॉल्व है जिसमें पानी घुस तो सकता है लेकिन बाहर नहीं निकल सकता। ये HT आपका डिलीवरी हेड है, ये HFD हेड लॉस, किसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से इन दी डिलीवरी पाइप। ये आपका सक्शन हेड है, और ये जो HFS है ये हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन दी सक्शन पाइप। सक्शन हेड को हम लोग सक्शन लिफ्ट के नाम से भी बोलते हैं, इसी तरह डिलीवरी हेड को भी डिलीवरी लिफ्ट के नाम से भी बोलते हैं। तो नामकरण तो हो गया सेंट्रीफ्यूगल पंप का, अब जरा हेड्स के बारे में जान लेते हैं। तो हमने अभी तो बात कर ली सक्शन हेड की और डिलीवरी हेड की, और हमारा अब रह गया है स्टैटिक हेड एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मैनोमेट्रिक हेड। ये था हमारा HS, जहाँ पे सक्शन पाइप हमारा कुछ हाइट तक जाकर सेंट्रीफ्यूगल पंप के साथ जुड़ता है लोअर वाटर लेवल से। लोअर वाटर लेवल को हम लोग सम्प भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, डिलीवरी हेड पंप के ऊपर थ्रू जो पाइप जाती है उस पर ही हेड को हम लोग डिलीवरी हेड बोलते हैं। स्टैटिक हेड, ये दोनों सक्शन हेड और डिलीवरी हेड इन दोनों को मिला के बना है स्टैटिक हेड। अब ज़रा ये स्टैटिक हेड को थोड़ा और डीप में देखते हैं कि ऐसा इसको बोलते क्यों हैं। देखिए, जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में आपने बर्नौली इक्वेशन पढ़ी होगी। बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है, वी ओपन रो जी प्लस वी स्क्वायर ओवर 2g प्लस जेड इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, राइट। जहाँ पे ये वाला पार्ट क्या होता है, ये होता है आपका स्टैटिक हेड, ये आपका काइनेटिक हेड और ये आपका डेटम हेड। इसको स्टैटिक हेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वही हेड है जो एक रुका हुआ पानी अपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लगा रहा होता है। कितना प्रेशर लगाता है, रो जी एच, राइट। तो ये वो एच है जो हम यहाँ पे निकाल रहे होते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, एच इक्वल्स टू पी बाई रो जी, किसी भी आप पॉइंट पे स्टैटिक प्रेशर निकालोगे ये वो है। तो ये पंप के केस में क्या होता है, जब नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको। यहाँ पर जैसे हम पंप पे देखें, ये जो आपका HS है और ये जो HD है, ये क्या है, इस पानी को यहाँ से धीरे धीरे उठाना पड़ रहा है, राइट। तो जब पानी इस पोजीशन पे होगा तो ये कितना प्रेशर पंप को लगाना पड़ेगा, इतना, राइट। तो यही आपका है जो वो स्टैटिक हेड है, कि इतना जब यहाँ पे पानी उठेगा तो रुके हुए पानी से, मतलब यहाँ पे जो इसका जो प्रेशर आता है वो आपका एक स्टैटिक प्रेशर है। सिमिलरली हेड के लिए भी होता है कि जब यहाँ पे पानी बढ़ना स्टार्ट करेगा और यहाँ से पोजीशन पे पहुँचेगा तो ये एक हेड निकल के आता है, तो ये स्टैटिक प्रेशर हेड है। ओके, इसलिए हम इसको स्टैटिक हेड बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टैटिक हेड क्या हो गया, इट इज़ अ समीशन ऑफ HS प्लस HT। अब आता है हमारा चौथा हेड जिसका नाम था मैनोमेट्रिक हेड, राइट। तो ये वो हेड होता है जिसके अगेंस्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप को वर्क करना पड़ता है, उस हेड को हम लोग बोलते हैं मैनोमेट्रिक हेड। इसकी डेफिनेशन क्या हुई, इट इज़ द हेड अगेंस्ट विच अ सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज़ टू वर्क। ओके, और इसकी जो वैल्यू होती है वो तो ऑलरेडी हमें पता ही चल रहा है कि आपका जो स्टैटिक हेड है उसका सम, मतलब तो कौन सा, HS प्लस HD, ये तो होना ही है, ये स्टैटिक हेड तो लेना ही लेना है। साथ में फ्रिक्शन लॉस को भी अकाउंट करना पड़ेगा, और तो और जो ये डिलीवरी हो रही है इसमें पानी की उसके वजह से कुछ काइनेटिक हेड आ रहा होगा उसको भी अकाउंट करना पड़ेगा, और इन चारों को मिला के जो हेड बनता है वो है आपका मैनोमेट्रिक हेड, और इसी के अगेंस्ट इस पंप को वर्क करना पड़ता है। तो क्या बताया मैंने, HS प्लस HD प्लस HFS प्लस HFT हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन,
इन सक्शन पाइप एंड द डिलीवरी पाइप, प्लस जो डिलीवरी पाइप में आपका काइनेटिक हेड है वो VD स्क्वायर ओवर 2G। तो यहाँ से निकल के आता है आपका ये मैनोमेट्रिक हेड। ओके, तो ये था आपका स्टैटिक, ये फ्रिक्शन लॉसेस इन बोथ द पाइप्स, और ये आपका काइनेटिक हेड इन डिलीवरी पाइप। ओके, इस मैनोमेट्रिक हेड को लिखने का एक और तरीका है, HM इज इक्वल्स टू हेड इम्पार्टेड बाय द इम्पेलर माइनस लॉस ऑफ हेड इन पंप। मतलब इस हेड के अगेंस्ट ही तो सेंट्रीफ्यूगल पंप को वर्क करना है ना। कौन सा हेड? जो इम्पेलर ने दिया था अपने आउटलेट पे। इम्पेलर किस शेप में होता है? इस शेप में, ठीक है। इसका वेलोसिटी ट्रायंगल वाला एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप चाहोगे तो उसके बारे में मैं अगली क्लास में पढ़ा दूंगा। इसमें क्या होता है, पानी यहाँ से इनलेट होता है, फिर आउटलेट होता है, उसका कुछ रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आती है। क्योंकि मुझे इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखना है, इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो जो हेड इम्पार्ट होता है इस इम्पेलर के थ्रू, उस हेड की वैल्यू होती है V2U2/G, वे दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ वाटर निकलता है उसको हम बोलते हैं V2W आउटलेट पे, और जो ये U2 है ये आपका वेलोसिटी ऑफ इम्पेलर है जो मूव कर रहा है इम्पेलर जिस स्पीड से। तो ये हेड माइनस माइनस लॉसेस, जो कि केसिंग मैंने आपको पहले दिखाई थी, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम लोग केसिंग देते हैं, ये केसिंग जो ये हमारे पास पार्ट है, इसके वजह से कुछ लॉस होता है हेड में, तो वो यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। कैसे लॉसेस होते हैं? जब लीकेज वगैरह होने लगता है तो एक्चुअल जो हेड आया था वो हेड यहाँ पे पहुँच नहीं पाता, तो जो लॉसेस होने के बाद जो यहाँ पे हेड मिला वही आपका मैनोमेट्रिक हेड होता है, और इतना ही जो आपका हेड होता है वो आपको इस सेंट्रीफ्यूगल पंप को पहुँचाना होता है ताकि डिलीवरी हो पाए पानी की। और लास्ट एक और HM का फॉर्मूला निकल के आता है, एंड दैट इज टोटल हेड एट आउटलेट ऑफ पंप माइनस टोटल हेड एट इनलेट ऑफ पंप। तो इनके हेड के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग मैनोमेट्रिक हेड बोलते हैं, और इतना ही हेड के अगेंस्ट वर्क करना होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप को। तो ज़रा इन तीनों फॉर्मुलों को एक बार साइड बाय साइड लिख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये रहे हमारे तीन फॉर्मूले, और इन तीन फॉर्मूले से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास ये है, इसको आपको याद रखना है। इसमें याद करने वाला कुछ ऐसा है भी नहीं, स्टैटिक हेड, फ्रिक्शन लॉसेस और डिलीवरी पाइप का जो काइनेटिक हेड है, सबको मिला के आपका मैनोमेट्रिक हेड बनता है। ये जो तीसरा वाला है इसको आपको बर्नौली इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि टोटल हेड क्या होता है, स्टैटिक काइनेटिक और डेटम हेड को मिला के तो बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ओवर रो जी, क्योंकि आउटलेट पे है तो पी नॉट लिख रहा हूँ, वी नॉट ओवर 2G प्लस जेड नॉट, इसको माइनस किया इनपुट वाले से, पी आई ओवर जी रो जी प्लस वी आई स्क्वायर ओवर 2G प्लस जेड आई, जहाँ पे ये आपका स्टैटिक पार्ट है तो ये HD हो जाएगा, ये डिलीवरी पाइप में आपका काइनेटिक हेड है तो ये VD स्क्वायर ओवर 2G है। ये वाला आपको क्या होगा बताइए, क्योंकि इनलेट वाले पाइप में है ये स्टैटिक हेड होगा ऑब्वियसली, ये क्या होगा क्योंकि सक्शन वाला पाइप है तो VS स्क्वायर ओवर 2G। तो इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है मैनोमेट्रिक हेड। अभी जहाँ तक बच्चों के दिमाग में ये कभी कभी चलता है कि हम हर चीज़ को हेड के टर्म पे क्यों लिखते हैं, वाई, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, हेड या हाइट के टर्म पे हम लोग इसलिए चीज़ें लिखते हैं क्योंकि इससे हम लोग इजीली किसी का भी प्रेशर और पावर को निकाल सकते हैं। प्रेशर क्या होता है आपका, रो जी एच, राइट, ये तो गामा आपका चेंज होना नहीं है, वो तो वही रहेगा, बस वैल्यू पुट करो और निकालो। इसी तरह का पावर निकालना है आपको, तो ये क्या होता है, प्रेशर इंटू डिस्चार्ज, तो रो जी एच इंटू क्यू, बस हेड की वैल्यू पुट करो और पावर मिल जाएगा। इसलिए आपके ये हेड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कि अगर सिर्फ आपको हेड पता है तो आप प्रेशर, पावर और बहुत सारे टर्म्स निकाल सकते हो। यही चीज़ हम लोग इरिगेशन में भी करते हैं, याद होगा कि उसमें हम सब कुछ हाइट के टर्म्स में बात करते हैं, या फिर आपने हाइड्रोलॉजी में पढ़ा होगा, उसमें भी हम लोग सब कुछ वाटर का जो हाइट के टर्म्स में बात करते हैं, जैसे हाइट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया से हम टोटल वॉल्यूम आ जाता है। इसलिए हाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वो टोटल वैल्यू को एक तो छोटा कर देता है और इजली किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप उसकी वैल्यूज निकाल सकते हो कोई भी टर्म की। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम हेड यूज़ क्यों करते हैं हर जगह। इसलिए प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड, डेटम हेड के टर्म लोग बात करते हैं, और फिर हम लोग एनर्जी भी निकाल सकते हैं, एनर्जी निकालो, पावर निकालो, प्रेशर निकालो, जो आपकी मर्जी है। घर में आपका एक होमवर्क है, इस पावर को डिराइव करिएगा कि ये प्रेशर इंटू डिस्चार्ज क्यों होता है। ओके, ये डेरिवेशन छोटे छोटे करते रहा करिए, एक तो आपकी जो थिंकिंग पावर है वो बढ़ेगी, और दूसरा इंटरेस्ट, क्योंकि जब चीज़ें समझ में आने लगती हैं तो
तो जो स्टडी है वो ऑटोमेटिक अच्छी लगने लगती है। तो इसको डिराइव करना, और कोशिश किया करिए जो भी आप फॉर्मूलेज देखें उसका डेरिवेशन ज़्यादातर किया करिए कि वो आया कहाँ से। ओके, वो और भी काफ़ी हिडन चीज़ों को दिखाता है। ये वीडियो काफ़ी बड़ी बनती जा रही है, तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अगले पार्ट में हम लोग इसकी एक एफिशिएंसी रह गई है पंप्स की, वो करेंगे, और जो न्यूमेरिकल था ठीक है वो कंप्लीट करेंगे। अब मेरे ख्याल से स्पेसिफिक स्पीड वो भी एक रह गया है, उसका एक फॉर्मूला ही है, वो भी अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।